अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएँ या स्परिचुअली देखें या पास लाइफ रिग्रेशन से देखें तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके जीवन का जो पैटर्न है ना वो फॉलोअप होते चले आ रहा है जन-जन जन्मांतर से उसी चीज़ को आप कॉपी कर रहे हो उसी चीज़ का आपका जिस प्रिंट जो है एज इट इज़ प्रिंट आउट होते जा रहा है बट यू एज अ स्परिचुअली इवाल्व्ड पर्सन यू हैव टू पुट अ पॉज देयर वहाँ पर एक स्टॉप लगाना ज़रूरी है उस स्टॉप को कैसे लगाना है आपको नो no करना आना चाहिए देयर इज़ दैट इज़ वाई डिफाइनिंग बाउंड्रीज कम्स इन टू प्लेस तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें और आगे नहीं बढ़ना है यहाँ पर हमें एक पॉज लेना है हमें खुद को हील करना है हमें अपने पैटर्न को अपनी आत्मा को हील करना है। हमें सामने वाले के सुधार के सुधार लिए हमारा बर्थ नहीं हुआ है कि हम उसको किसी संबंध में जा रहे हैं या फिर हम ये सोचें कि चलो ओके okay, फाइन आज ये रिलेशनशिप इतनी अब्यूजिव है कल मैरिज हो जाएगी तो बेटर हो जाएगी मैरिज हो गई फिर भी अब्यूज चल रहा है तो बच्चा हो जाएगा सुधर जाएगा नो दैट डिज नॉट हैपन आपको अपने पैटर्न को हील करना है क्योंकि वॉट यू आर गिविंग इज वॉट यू आर गेटिंग तो अगर आपकी वाइब्रेशन अब्यूज की जा रही है तो फिर यू आर गेटिंग इट अच्छा अब्यूज में भी पैटर्न रिप्लीकेट करते हैं अगर आपका अब्यूज का पैटर्न है ना तो आप देखेंगे हो सकता है आपका पार्टनर ने अब्यूज करा तो आपके पेरेंट्स अब्यूज करते हैं आपके सिबलिंग्स अब्यूज करते हैं आपके दोस्त आपके कॉलीग्स आपके बॉसेज किसी ना किसी फॉर्म का अब्यूज होता है और अब्यूज में भी डिफरेंट होता है स्परिचुअल अब्यूज फाइनेंशियल अब्यूज इमोशनल अब्यूज वर्बल अब्यूज फिजिकल अब्यूज सेक्शुअल अब्यूज इतने सारे पैटर्न अब्यूज होते हैं तो इसमें से आप देखेंगे कि कई लोगों को जिनको एक अब्यूज हुआ है तो वो अब्यूज अगर स्टॉप हो जाता है तो वो दूसरे पैटर्न ऑफ अब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट